नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि बच्चे स्कूल तो जाते हैं, क्लास भी अटेंड करते हैं, लेकिन क्लास में क्या चल रहा है, कौन उन्हें पढ़ा रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर में कौन सा टॉपिक चल रहा है, ये तक नहीं पता होता है। इन्हें क्लास अटेंड हो रही है लेकिन बाकी उनको कुछ भी नहीं मालूम है। तो ऐसा क्यों होता है? आज हम इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि हम क्लास की जो स्टडी है उस पर किस प्रकार से कंसंट्रेट करें, हम किस प्रकार से हमारा ध्यान लगाएं क्लास की स्टडी पे, ताकि हमें सब कुछ समझ में आए और हमारा मन भी लगे क्लास की पढ़ाई में, यानी कि जो स्कूल की टीचिंग है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए आज मैं आपको चार टिप्स बताने वाला हूँ। अगर आपने उन टिप्स का यूज़ किया अपनी स्टडी में तो आप आसानी से क्लास की जो पढ़ाई है, यानी क्लास में आप अपने आप को अपने को कंसंट्रेट कर पाओगे और क्लास में जो भी कुछ पढ़ाई हो रही है उस पर आप ध्यान दे पाओगे। तो सबसे पहली टिप्स है कि ट्राई टू डेवलप योर सेल्फ रिस्पेक्ट। आप अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, खुद की जो इज्जत है, उसको डेवलप कीजिए, उसको बढ़ाइए। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने आप की इज्जत करेंगे तो ही तो आप दूसरे की इज्जत कर पाएंगे। यानी जब आपके पास इज्जत नहीं होगी तो आप किसी दूसरे को इज्जत कैसे दे पाएंगे? अब आप सोच रहे हैं कि क्लास की पढ़ाई से इज्जत का क्या ताल्लुक है, तो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि किसी दिन किसी टीचर ने आपको डांट दिया, किसी बात को लेकर किसी टीचर ने आपको डांटा, तो आपको अगर डांटा है और अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो वो काम आप कभी नहीं करोगे। जैसे कुछ लोग नहीं कहते कि यार सामने वाले को जरा सी बात का बुरा लग जाता है, तो बुरा लगना चाहिए। अगर किसी टीचर ने आपको डांटा है तो आपको बुरा लगना चाहिए, और बुरा तभी लगेगा जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, खुद की आपकी इज्जत होगी। क्योंकि आपकी इज्जत ही नहीं होगी तो कोई कुछ भी डांट के चले जाए, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर आपको किसी ने डांटा है तो आप वो काम कभी नहीं करोगे, और जब आप खराब काम नहीं करोगे तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा। सिंपल है। इसलिए आप अपने आप की इज्जत को बढ़ाइए, डेवलप करिए। ठीक है, ये था पहली टिप्स। दूसरी टिप्स बताता हूँ, ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चन ऑफ द टीचर। टीचर द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास में उसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। अब आप बोलोगे सर मेरा मन ही नहीं लगता पढ़ाई में, तो मैं क्वेश्चन के आंसर कैसे दूंगा? लेकिन आप ट्राई कीजिए। ऐसा है नहीं आप बिल्कुल तो वैसे नहीं होंगे ऐसे कि कुछ भी आपको नहीं पता है, ऐसा नहीं है। तो आप क्या करिए, जो भी क्वेश्चन टीचर पूछता उस चैप्टर से, जो कि कारण ये कि जो टीचर जो चैप्टर पढ़ा रहा होगा, जो टॉपिक पढ़ा रहा होगा, उसी से रिलेटेड कोई चीज़ पूछेगा आपसे, तो आप उसको आंसर देने की कोशिश कीजिए, चाहे वो गलत जाए, लेकिन आप आंसर एटलीस्ट खड़े तो होइए आंसर देने के लिए। अगर मान लीजिए वो आंसर आपका किसी दिन सही चला गया तो टीचर जरूर आपको अप्रिशिएट करेगा उस आंसर के लिए, और जब टीचर अप्रिशिएट करेगा तो आपको मन में अच्छा लगेगा, नहीं यार मैं भी बोल सकता हूँ, आपको भी लगे, लोगों से बोलेगा अरे देखा मेरा आंसर भी सही चला गया। तो आपको ये भावना जब अंदर आपके आएगी कि यार मेरा भी आंसर सही जा, मेरा भी जो आंसर है वो सही जा सकता है, तो आपका और मन लगेगा पढ़ाई में, और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर देने की भी कोशिश करने लगोगे। फिर बार बार आप खड़े होगे, बार बार आप आंसर दोगे, इस तरह से आपका मन पढ़ाई में लगता रहेगा, यानी कि क्लास की जो स्टडी है उसमें आपका मन लगता रहेगा। यानी कि आपको टीचर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके लिए आंसर देने के लिए एटलीस्ट आपको खड़ा तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने आपको दो टिप बताई है। पहली टिप्स क्या है कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाना है, दूसरा टीचर जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके आपको जवाब देने की कोशिश करना है, उसके लिए आपको खड़े होना है। ठीक है, तीसरा है सिट अवे फ्रॉम योर क्लोज फ्रेंड। ये शायद आपसे नहीं बनेगा, या ये चीज़ आपके लिए थोड़ी सी दुखदाई हो सकती है कि आप अपने क्लोज फ्रेंड के साथ ना बैठें, जबकि बहुत सारे टीचर ऐसे जो बोल देते हैं कि जिसके साथ बैठना है आपको उसके साथ बैठ जाइए। लेकिन अगर आप अपने क्लोज फ्रेंड के साथ बैठे हैं तो आप जब भी थोड़ा सा भी वक्त मिलेगा आप उसमें बातें करने लगोगे, या फिर पढ़ाई करते समय भी, यानी पढ़ाई हो रही उधर टीचर पढ़ा रहे हैं बोर्ड पर और आप इधर बात कर रहे हो, क्योंकि टीचर का ध्यान तो बोर्ड की तरफ रहेगा और आप इधर बात करने लगोगे। तो अगर आप अपने क्लोज फ्रेंड के साथ नहीं बैठोगे, किसी और के साथ बैठोगे, तो आप उतनी बात नहीं करोगे जितनी अपनी क्लोज फ्रेंड के साथ करते हो। तो वो जो टाइम बचेगा उसमें आप अपना ध्यान पढ़ाई पर लगा पाओगे, जो इस क्लास में पढ़ाई हो रही है उस पर लगा पाओगे, तो उससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि आप दो तरह के बच्चों के साथ बैठ सकते हो, एक तो जो आपसे भी इंटेलिजेंट हो उसके साथ बैठ सकते हो, या आप किसी से इंटेलिजेंट हो उसके साथ भी बैठ सकते हो।
ठीक है। मान लीजिए आप अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे के पास बैठे तो आप उससे कुछ सीख सकते हो, और आप अगर किसी से इंटेलिजेंट हुए उसके पास अगर बैठे तो आप उसको कुछ सिखा सकते हो, क्योंकि देखो दोनों में आपका ही भला है। एक से आपको कुछ जानने को मिल रहा है, और दूसरे को जिस जो आपसे कमजोर है पढ़ने में, जब आप उसे बताओगे कुछ तो आपने जो बताया वो आपके लिए स्ट्रांग होता रहेगा। टीचर, आपने देखो ना टीचर को हर चीज कैसे फटाफट याद रहती है और वो क्वेश्चन करवा देते हैं, क्योंकि इतनी बार उसको बता चुके होते हैं कि उनको लर्न हो जाती वो चीज़ें। इसी टाइप से अगर आपको जो चीज़ आती है, अगर आपने किसी को बताई वो चीज़ करके, जैसे कोई आपका क्लासमेट है उसने कोई क्वेश्चन पूछा और आपने उसको करके बता दिया, तो और स्ट्रांग हो जाएगा आपके लिए वो क्वेश्चन। इसलिए आप ट्राई कीजिए कि जो भी आपको आता है वो अपने से कमजोर बच्चे को बताइए, और जो आपको नहीं आता है उसके लिए आप अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे से पूछिए, उसका भी फायदा होगा जो बता रहा वो भी, और आपको भी फायदा होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या बोला मैंने कि आप अपने दोस्तों के साथ नहीं बैठोगे, आप दूसरे लोगों के साथ बैठोगे। क्लियर। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर के टिप की। फोर्थ नंबर का टिप है कि मेक आई कॉन्टेक्ट विथ योर टीचर, अपने टीचर के साथ आई कॉन्टेक्ट बनाइए। अब आप कहोगे कि यार क्या बोल रहे हैं सर, लेकिन सही बोल रहा हूं मैं। आई कॉन्टेक्ट का मतलब ये नहीं कि आपको घूर के देखना उनको या ऐसा कुछ गलत तरीके से, ये नहीं कह रहा हूं मैं। आप आई कॉन्टेक्ट का मतलब है कि जब भी कोई टीचर पढ़ा रहे हैं उस समय उसको देखते रहना है, आपको उसके फेस को देखते रहना है। फेस को देखने का मेरा कोई दूसरा रीज़न नहीं है, फेस को देखने का सिर्फ ये रीज़न है कि जब आप फेस को देखोगे तो जो भी वो कुछ कह रहे हैं वो आपके तक वो बात आएगी, आपके कानों तक वो बात आएगी, आपके समझ में आएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए टीचर कुछ बोल रहा है और हम इधर उधर देख रहे हैं या नीचे देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं इधर उधर, तो वो क्या बोल रहे हैं अपने को उससे पता नहीं चलेगा। इन द सेंस हमको वो अपने माइंड में वो बात जाएगी नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान ही वहाँ पे नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसके फेस को देख रहे हैं जब वो बोल रहे होते हैं, तब हमारा ध्यान पूरा उस पे लगेगा, क्योंकि हम उस समय देख रहे होते हैं। और हमको ये भी डर रहेगा कि यार ऐसा नहीं हो कि कुछ क्वेश्चन हमसे पूछ ले और हमको वो नहीं बने, क्योंकि हमारी तो इज्जत है ना। हमने पहले टिप में क्या करा है कि हमने हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को डेवलप किया है, तो मेरी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर मान लीजिए टीचर मुझे पढ़ा रहे हैं और मैं नहीं उनका आंसर दे पाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ये मेरे लिए बेइज्जती की बात हो जाएगी। इस कारण से आप अगर टीचर के फेस को देखते हुए उनकी बात को सुनोगे तो आपको वो चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। तो ये चार टिप्स थी जिसको यूज़ करके आप आसानी से अपनी क्लास की जो पढ़ाई है उस पर कंसंट्रेट कर सकते हो। बाकी जगह भी आपको जो करना है वो करिए, लेकिन मैं अभी फिलहाल आज जो मैंने बताया वो क्लास में किस प्रकार से कंसंट्रेट करें ये मैंने बताया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ जितनी भी चीज़ें अभी बताई है, चार चीज़ें मैंने बताई। पहला मैंने आपको बताया है कि डेवलप योर सेल्फ रिस्पेक्ट, ये पहला पॉइंट था। दूसरा मेरा पॉइंट था कि ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चन ऑफ द टीचर, टीचर के द्वारा पूछे गए सारे क्वेश्चन के आपके आंसर देने की ट्राई करना है। तीसरा मैंने बताया था सिट अवे फ्रॉम योर क्लोज फ्रेंड, अपने क्लोज फ्रेंड के साथ आपको नहीं बैठना है। और चौथा मैंने आपको बताया है कि मेक आई कॉन्टेक्ट विथ योर टीचर। तो ये चारों अगर आप यूज़ करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में, यानी कि डेली रूटीन की जो आपकी क्लास है उसमें अगर इनको यूज़ करते हो, तो डेफिनेटली आपका जो मन है वो क्लास की पढ़ाई में लगेगा, आपका कंसंट्रेशन क्लास में बढ़ेगा, और आप धीरे धीरे एक अच्छे स्टूडेंट बनने की तरफ अग्रसर होगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसमें जो मैंने टिप्स बताई है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरी टिप्स अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।